हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कचरी की सब्ज़ी। इसको चिब्बर भी कहते हैं पंजाबी में। तो ये इसको पहले हम लोग तो सोचते थे कि ये बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, लेकिन इसकी सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है, इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन आज मैं आपके साथ सिर्फ इसकी सब्ज़ी शेयर करूँगी, कुछ दिनों बाद मैं आपके साथ इसकी चटनी भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर से ये छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, इनका छिलका मैंने उतार लिया। अब इसको हम चार टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये इस तरह से एक कचरी के चार टुकड़े करने हैं, इसी तरह सबके कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिए हैं। मैंने जब इनको छीलने से पहले ही मैंने इनको वॉश कर लिया था, और इसको अब दोबारा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको अपना लैंड दिखाया था एक वीडियो में, तो हमने ये उगाए नहीं थे कि खुद ब खुद ही वहाँ पर उग गए। तो फिर हमने सोचा कि इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपके साथ इसकी सब्ज़ी की वीडियो शेयर करूँगी, और फिर मैं कुछ दिन बाद आपके साथ इसकी चटनी की भी वीडियो शेयर करूँगी। तो इसको मैं बनाने लगी हूँ आलू के साथ, आलू के साथ की बहुत ही अच्छी बनती है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ दिखा दूँगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में एक अदद प्याज मैंने काट लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल, और इसको कर लेंगे थोड़ा सा मीडियम ब्राउन। हाँ जी, तो इसके अंदर सिर्फ प्याज, आलू और थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, और कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, ना टमाटर, ना अदरक, ना ही लहसुन, ना ही कोई और चीज़ें, ज़ीरा, सूखा धनिया वगैरह ऐड करूँगी, क्योंकि कचरी के अंदर थोड़ी सी खटास होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बाकी कोई भी इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड नहीं करूँगी। इसको बिल्कुल सिंपल बनाया जाता है ताकि इसका पूरा फ्लेवर हम लोग ले सकें। तो जी, प्याज हो चुके, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम आलू। हाँ जी, तो मैंने तीन अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, और उनको इस शेप में, लंबाई की शेप में कट कर लिया। अब इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे प्याज के साथ। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी, हेल्दी और मज़े की रेसिपी है, खट्टी मीठी सी। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे कचरी, मिक्स करेंगे इसको। ये बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब हम इसके अंदर साथ साथ ही डालते जाएंगे ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड मिर्च पाउडर। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 1 टीस्पून ही रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, जस्ट हाफ टी स्पून, अच्छे से भूनेंगे इसको। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको हम भूनेंगे, और मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो जी, अच्छे से भून चुके, अब इसके अंदर मैं डालूँगी पुदीना, और बिल्कुल इतना सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। अब इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। इसको कवर करेंगे और इसको बिल्कुल लो मीडियम पे हम रखेंगे 5 मिनट के लिए।
इतने से फ्लेम पे आपने इसको रखना है 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब इसको खोलते हैं और ऑयल सेपरेट हो चुका है और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने हल्की सी आंच पे इसको रख दिया था भूनने के बाद। तो हर चीज़ अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए चिब्बड़ भी गल चुके हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, इसका रोटी के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मैं आपको प्लेट में निकाल कर इसको दिखाती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल कलर अच्छे से पता चलेगा। ये देखिए हमारी आलू कचरी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इंडिया की मोस्ट फेमस और मज़े की रेसिपी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।